कांग्रेस नेता हारून यूसुफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए। हारून साहब, कपिल मिश्रा ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है 2 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी आंखों से देखा सत्येंद्र जैन को केजरीवाल को देते हुए केजरीवाल के घर पर। लेकिन यहां यह भी सवाल उठेगा कि ये जो बयान है ये कितना मान्य होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो सबूत देने को तैयार हैं और वो एसीबी और सीबीआई के सामने अपना बयान भी देने को तैयार हैं। देखिए, जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने के हेड थे केजरीवाल जी, आज उनका असली चेहरा दिल्ली के लोगों के सामने आया है। पिछले 2.5 साल से लगातार आधी से ज्यादा कैबिनेट भ्रष्टाचार के आरोपों में बाहर कर दी गई और आज जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने अपना बयान दिया है, मैं समझता हूँ जो जांच एजेंसियां हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसकी तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस तरह का व्यापक भ्रष्टाचार जो आम आदमी पार्टी की सरकार में चल रहा है ये दिल्ली के लोगों के सामने आना चाहिए। हम इस बात को लगातार कहते आए हैं कि ये सरकार धोखेबाजों की, घोटालेबाजों की, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। लेकिन चूंकि जब लोग कोई फैसला करते हैं तो उनको यकीन होने में टाइम होता है, लेकिन आज दिल्ली के लोगों को मैं समझ सकता हूँ कि निहायत ही तकलीफ और अफसोस हो रहा होगा। जिस पार्टी को, जिस नेता अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें दिल्ली के लोगों ने दी, किस तरीके से दिल्ली के मैंडेट का खुलेआम मजाक और धज्जियां उड़ाई जा रही। हारून यूसुफ साहब, कपिल मिश्रा जो बातें कह रहे हैं वो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो आंदोलन से केजरीवाल के साथ जुड़े रहे हैं, उसके बाद मंत्री थे कल तक, कल उन्हें बर्खास्त कर दिया गया मंत्री पद से। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास तमाम सबूत है और उन्होंने चूंकि एसीबी को बताया टैंकर घोटाले से जुड़े नाम, इसी वजह से उनको पद से हटाया गया है। लेकिन क्या बाकी जितने अभी तक कैबिनेट के मंत्री रहे हैं जिन पर तमाम घोटालों के आरोप लगे हैं, इससे ये भी होता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को उन सब बातों की जानकारी थी और वो खुद अपने नेताओं मंत्रियों को छुपा रहे थे? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा ना कि जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी थी अरविंद केजरीवाल, आज उनका असली चेहरा सामने आया कि भ्रष्टाचारियों को छुपाते क्यों थे, क्योंकि तमाम भ्रष्टाचारियों को तमाम भ्रष्टाचार के बारे में पूरी जानकारी थी। कपिल मिश्रा भी उसी कैबिनेट का एक हिस्सा थे। अब जो बातें तथ्य उन्होंने रखे हैं, मैं समझता हूँ इसकी तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए, एक पूरी SIT गठित होनी चाहिए और इस तमाम घोटाले का कि जो घोटाले आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए हैं उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए।